सुकेश आप तैयार हैं अपना असेसमेंट देने के लिए? आपका अनुमान क्या है? नहीं, जब हमने जिसके साथ टाइप किया हुआ है और जिसका एक इंपेकेबल रिकॉर्ड है, तो मैं उसका वेट करूंगा। अब असेसमेंट का टाइम नहीं है। जब पहले दौर का मतदान हुआ, दूसरे दौर का मतदान हुआ, तीसरे दौर का मतदान हुआ, तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या होगा। अब जबकि घड़ी इतनी नजदीक आ गई है, तो जो जिनकी विधा है ये कि वो पता लगाते हैं कि किसने रुख किस तरफ है हवाओं का, तो उन पे छोड़ देते हैं। कमाल है सुकेश, इतने दशकों का आपका अनुभव है, 25-30 साल का, इतने चुनाव आपने कवर कर लिए, अभी भी सेफ खेल रहे हैं। अब तो आंकड़े आने वाले हैं, दीजिए ना कुछ अपना असेसमेंट। न्यूज़ चैनल को सेफ ही खेलना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल है। नहीं, मैं आपकी निजी राय पूछ रहा हूं। एग्जैक्ट पोल नहीं, आपकी निजी राय पूछ रहा हूं। नहीं, निजी राय देने का वक्त नहीं है। मैं आपको कुछ खबर बता देता हूं जो आपने अभी अभी बताया था कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है। मेरे ख्याल से इंडिया ब्लॉक की मीटिंग खत्म हो गई है। एक इंपॉर्टेंट निर्णय उसमें यह लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने यह तय किया था कि वो एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेंगे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। वो एग्जिट पोल में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों का ये दबाव रहा होगा कि हम उस ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं। एक बार पहले ये बायकॉट की कहानी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि एक प्रूडेंट फैसला ये लिया गया कि चाहे कोई भी एग्जिट पोल हो, हम उसमें हिस्सा लेंगे। तो पहला तो ये कि इस एग्जिट पोल में आप अभी तक ऐसा पा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उसमें हिस्सा नहीं लेगी, टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेगी। तो इस बीच अपने पीसीआर को मैं कह रहा हूं, जरा अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से कहें कांग्रेस पार्टी से संपर्क करें, अभी भी समय है इस डिबेट में है। मैं स्टूडियो में आने के पहले ये बात करके आया हूं, वो संपर्क में है, कोई ना कोई मेहमान आएगा, कांग्रेस का आएगा। तो इससे सिर्फ ये खबर नहीं है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से एग्जिट पोल में कोई हिस्सा लेगा। हाँ। ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक, जहां ममता बनर्जी की आमद आज नहीं हुई, उनके यहां चुनाव था, उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि हम तो हिस्सा नहीं ले पाएंगे इंडिया ब्लॉक में, तो यह कहा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक बिखर गया, तो उसको दिखाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए शिवसेना की तरफ से भी नुमाइंदे आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे बाहर है ऐसा बताया जा रहा है। तो एक मीटिंग जो हुई उसमें सॉलिडैरिटी दिखाने की कोशिश हुई। अखिलेश यादव ने उसके बाद कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है, मतलब डिफीटिस्ट एटीट्यूड के साथ नहीं जाना है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, आपके मनोबल पे, आपके कार्यकर्ताओं के मनोबल पे इसका असर पड़ता है कि हमारी पार्टी ने एब्सोल्युटली कर लिया है। तो शायद ये जो निर्णय था उसको पलटने में पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ आया है, तो मुझे लगता है कि ये रणनीति अब आगे के लिए भी वो तय करने वाले होंगे कि चाहे हम हारे जीते, एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल दोनों में ही हम साथ रहने का वक्त है, क्योंकि कई बार हम आए हैं बिखर गए हैं और एक कंसिस्टेंट जो अप्रोच होता है अपोजिशन का वो नहीं दिखा पाए। और बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वैसे भी वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। आज एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े आएंगे, उस पर टीवी डिबेट में हिस्सा लेने से जनता के बीच जो भी मैसेज जाए, अब वोटिंग तो खत्म हो गई है।